ट्यूटोरियल मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स। तो स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा जेके एसएसबी का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो अभी मैसेज करिए 7006332724 पे और ज्वाइन करिए हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप। और एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर जेके एसएसबी एग्जाम्स देन आप इस बुक को मिस नहीं कर सकते। मैं डेफिनेटली गर्ल्स के साथ ये कह सकता हूँ। देखो अगर कहने को तो बहुत सारी चीज़ें होंगी आप सबके पास, लेकिन पर्सनली अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये बुक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपके जेके एसएसबी एग्जाम के प्रिपरेशन में, बिकॉज इसमें हम लोगों ने प्रीवियस पेपर्स 2013 से लेकर 2022 तक के सारे पेपर्स, उसके साथ साथ 5000 सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज इंक्लूड करे हैं, जिसका मेन मकसद है आप लोगों को एग्जैक्टली वही चीज़ें पढ़ने के लिए मजबूर करना जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो चलिए इस बुक को बेसिकली आप बाय करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज ये बुक जो है वो अमेजोन पे भी अवेलेबल है, आप वहां से भी बाय कर सकते हैं। इस अमेजोन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने रिलीज करा है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2023। मतलब टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2023 किस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज UNCTAD, मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ओके, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा एक टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2023 जो है वो रिलीज करी गई है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली क्या बोला गया है कि जितनी भी ग्लोबल इकोनॉमी है उनमें इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ती चले जा रही है। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मतलब एक होता है डेवलपिंग कंट्रीज जो मतलब धीरे 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 डेवलप हो रही हैं, एक डेवलप्ड जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज है लाइक बड़ी बड़ी जैसे US हो गया, रशिया हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है मोस्टली जो बेनिफिट है ये ग्रीन टेक्नोलॉजी से ही अपना बेनिफिट जो है वो उठा रही है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो है, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने रिलीज करा है ट्रिपल थ्रेड रिपोर्ट? क्या कौन से इंस्टीट्यूट ने ट्रिपल थ्रेड रिपोर्ट जो है वो रिलीज करी है? इसका जो आंसर है दैट इज यूनिसेफ। अभी मैं बताता हूँ, ठीक है, आंसर है इसका यूनिसेफ, मतलब यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। क्या? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। क्लियर है? तो इनके द्वारा एक ट्रिपल रिपोर्ट जो है वो रिलीज करी गई है, जिसका मेन मकसद क्या है, जिसका इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इन्होंने क्या कहा है कि ये जो मतलब वॉश रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, ये रिपोर्ट पानी के ऊपर डिपेंड, मतलब पानी के रिलेटेड है। जैसे आप सभी जानते हैं एक चीज़ इन्होंने मेंशन करी है कि अगर पानी को अच्छे से मॉनिटर नहीं करा जाए, अगर उसकी देखभाल नहीं करी जाए तो भैया बहुत सारी बीमारियां लगने के चांसेस हैं। ओके, सो वही इस रिपोर्ट में वही चीज़ें बताई गई हैं कि अगर अब्सेंस होगा, अब्सेंस मतलब निगलेंसीज होंगी किसका, मॉनिटर करने में, मतलब देख रेख में, किसमें, वॉश रिलेटेड प्रोग्राम प्रोजेक्ट या पॉलिसीज में, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है वाटर इनसिक्योरिटी की वर्ल्ड में, जिसके बहुत ज्यादा वर्स इफेक्ट्स होने वाले हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी स्टेट या यूटी है जिन्होंने मीडिया पर्सन्स प्रोटेक्शन बिल 2023 जो है वो पास किया है। मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 पास किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका जो आंसर दैट इज छत्तीसगढ़। क्या आंसर है? छत्तीसगढ़। देखिए आप सभी को पता है कि अब मीडिया जो है हमारा डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, नो डाउट, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें हो रही है भैया मीडिया पर्सन के साथ। कोई बंदा खुल के या कुछ भी नहीं बोल सकता आज के टाइम पे, एवरीवन हैज अ राइट टू स्पीच, राइट? तो अब बेसिकली ये छत्तीसगढ़ ने मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल जो है वो पास करा है स्टेट असेंबली में, और इसका जो मेन एम है, मेन मकसद है, वो ये कि जितने भी मीडिया पर्सन हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी? किसके रिगार्डिंग? जितना भी वायलेंस उनके खिलाफ होता है उसके रिगार्डिंग। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम ऑफ स्लेवरी, मतलब विक्टिम्स ऑफ जो स्लेवरी के विक्टिम थे, पीड़ित थे, उनको याद, उनकी यादगार के मतलब उनके यादगार के लिए कौन सा दिन, इंटरनेशनल डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज 25th मार्च। क्या आंसर है? 25 मार्च को, ठीक है, हर साल 25 मार्च मनाया जाता है उनको ऑनर करने के लिए और उनको रिमेंबर करने के लिए जो लोग सफर हुए थे और जिनकी डेथ हो गई थी एक ब्रूटल स्लेवरी सिस्टम के हाथों से। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि भाई कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने ऑर्गेनाइज करा है एग्जीबिशन ऑन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1757 टू लेकर 1947 तक। कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करा है ये एग्जीबिशन? तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्या आंसर है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ओम बिरला जो कि स्पीकर हैं लोकसभा के, उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट करा है ये जो एग्जीबिशन था इंडियन फिल्म स्ट्रगल के ऊपर, जिसे ऑर्गेनाइज करा गया है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च किसके अंदर? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन पार्लियामेंट लाइब्रेरी। ठीक है, अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ एसोसिएशन होके इन्होंने एग्जीबिट करा है। कम से कम 100 लोकेशंस है कंट्री में, यहाँ पे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू एग्जीबिट किया गया है। ऑलराइट, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कलाम वेबसाइट जो है रिसेंटली लॉन्च करी गई है लोकसभा स्पीकर द्वारा। पूछा गया है कि ये जो वेबसाइट है ये किस फील्ड से एसोसिएट है, ये किस फील्ड से एसोसिएट है? तो इसका जो आंसर है दैट इज लिटरेचर। क्या आंसर है? लिटरेचर। ओके, क्या आंसर है? लिटरेचर। तो अब देखिए, अब ये जो मेन एम है कलाम इनिशिएटिव का, इसका जो मेन मकसद है इस वेबसाइट का, वो मेन मकसद है कि हिंदी लिटरेचर को पॉपुलराइज करा जाए। क्या? हिंदी लिटरेचर को पॉपुलराइज करा जाए और एक वाइड प्लेटफॉर्म जो है यंग ऑथर्स को दिया जाए, यहाँ पे वो अपनी राइटिंग के थ्रू, अपने लिटरेचर के थ्रू अपनी बात को रख सके। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन में पूछा गया है कि टी मॉस्किटो बग्स, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में देखा गया है, पूछा गया है कि ये जो मॉस्किटो बग है ये किस क्रॉप को ज्यादा अटैक करता है, किस क्रॉप को ज्यादा अटैक करता है? तो ये आप लोगों के क्रॉप के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज कैश्यू। क्या आंसर है? कैश्यू। ओके, कैश्यू तो पता ही है आप लोगों को, क्या बोलते हैं उसको, काजू। ठीक है, उस क्रॉप को ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो देता है। अब जैसे आप सभी जानते हैं उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली मतलब कैश्यू क्रॉप जो है ज़्यादातर उगाई जाती है, और वहाँ पर इस मतलब उस डिस्ट्रिक्ट में इस मॉस्किटो बग के थ्रू बहुत ज़्यादा नुकसान जो है देखने को मिल रहा है। ओके, और वहीं पे अगर दूसरी बात करें तो ज़्यादातर साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, यहाँ पे कैश्यू मतलब प्लांटेशंस वगैरह की जाती हैं, वहाँ पे जनरली ये इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब इस टी मॉस्किटो बग्स द्वारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और इन्फेक्शन जो है मतलब इन्फेक्ट हो रही है ये क्रॉप। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2023 की थीम क्या है? टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थीम से हर बार एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ कि फॉरेस्ट 2023 इंटरनेशनल डे का थीम क्या है? तो उसका जो आंसर है दैट इज फॉरेस्ट एंड हेल्थ। क्या आंसर है? फॉरेस्ट एंड हेल्थ। और ये हर साल कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। और इसका मेन मकसद क्या है कि ऑब्वियसली पीपल्स को अवेयर करना अबाउट द फॉरेस्ट। ठीक है, जितना हमारा इको सिस्टम है उसके रिगार्डिंग, सो दैट कि लोग जो अवेयर होंगे तो वो मिसयूज कम करेंगे और चीज़ें जो है लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगी, क्योंकि अगर उनको प्रॉब्लम हुई भाई आप हम लोगों को अभी कुछ रहने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेकेंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट जो है वो रिसेंटली लॉन्च करी गई है, उसका नाम पूछा गया है। फिर से रिपीट करता हूँ, सेकेंड एंटी सबमरीन वेलफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट जो लॉन्च हुई रिसेंटली, उसका नाम क्या है? तो इसका जो आंसर है दैट इज एंड्रोथ। ठीक है, एंड्रोथ। ओके, INS जो एंड्रोथ है वो सेकेंड सीरीज रहेगी एंटी सबमरीन वाटर शैलो वाटरक्राफ्ट की, जो लॉन्च हुई है कहाँ पे? कलकत्ता में। और इसे बनाया किसके द्वारा गया है? गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर और इंजीनियर्स द्वारा कोलकाता में ही बनाया गया है। ओके, क्लियर है? पढ़िए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू कोच ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करोगे। कहाँ करोगे? कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए। ओके, और वीडियो आपको कैसा लगा, करंट अफेयर लेक्चर सीरीज कैसी है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, बिकॉज आप लोगों के कमेंट आई रियली ग्लैड व्हेन आई सी दैट। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।